हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लिसनर्स। आप आज के पॉडकास्ट में, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश लर्निंग पॉडकास्ट है, इसमें हम आपको इंग्लिश और हिंदी में सेंटेंसेस दोनों में बायलिंगुअल इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश लेसन में। कुछ सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऐसे हैं, सुनिए। समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स टू हैव मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो एक निराशावादी इंसान है, उसकी सोच निगेटिव है। ही इज़ अ पेसिमिस्टिक पर्सन, ही हैज़ अ निगेटिव थिंकिंग। ही इज़ अ पेसिमिस्टिक पर्सन, ही हैज़ अ निगेटिव थिंकिंग। ये मकान 2002 में सरकार के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था। दिस हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। दिस हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2002। मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। जब हम लुकिंग फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद ING होता है। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट टू यू, ये हम नहीं यूज़ कर सकते, वो गलत हो जाएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने की उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। जैसे इस सेंटेंस में फिर लुक फॉरवर्ड टू के बाद फिर हमने ING बाई, टू बाई नहीं लगाया, बाइंग किया है। सो लुक फॉरवर्ड टू प्लस ING। आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने की उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू बाइंग दिस प्रॉपर्टी। माना आपके पास पैसे ना हो, अब आप क्या करोगे? फॉर इंस्टेंस यू हैव नो मनी, वॉट वुड यू डू नाउ? माना आपके पास पैसे ना हो, अब आप क्या करेंगे? फॉर इंस्टेंस यू हैव नो मनी, वॉट वुड यू डू नाउ? फॉर इंस्टेंस यू हैव नो मनी, वॉट वुड यू डू नाउ? माना वहाँ कोई ना कोई हो, ऐसे में आप डर जाओगे। माना वहाँ कोई ना हो, ऐसे में आप डर जाओगे। फॉर इंस्टेंस देर इज़ नो वन, यू हैड बी स्केयर्ड देन। माना वहाँ कोई ना हो और आप डर जाओगे। फॉर इंस्टेंस देर इज़ नो वन एंड यू हैड बी स्केयर्ड देन। क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए इसमें यू के बाद हैड का प्रयोग किया गया। अगर ये इमेजिनरी जितने सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। जब आप बाहर निकलते हैं तब आपको दुनियादारी का पता लगता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको दुनियादारी का पता लगता है। When you go out, you come to know about the life. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, When you go out, you get to know about the life. When you go out, you come to know the life. और you, when you go out, you get to know about the life. मैं रोज दौड़ने जाता हूँ, इसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। I go for running every day. As a corollary to that, I have good stamina. या फिर I go for running every day, due to which I have good stamina. Or I go for running every day, as a result I have good stamina. आप इस सेंटेंस को तीन तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं रोज दौड़ने जाता हूँ, इसकी वजह से मुझ में अच्छा स्टेमिना है। इसको तीन तरीके से बोल सकते हैं। पहला है I go for running every day, as a corollary, इसके परिणाम स्वरूप, as a corollary to that I have good stamina. दूसरा कह सकते हैं आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, ड्यू टू विच आई हैव गुड स्टेमिना। या फिर कह सकते हैं आई गो फॉर रनिंग एवरी डे, एज ए रिजल्ट आई हैव गुड स्टेमिना। वो अच्छी पढ़ाई करता है, इसलिए उसने पहली बार में एग्जाम पास किया। ही स्टडीज वेल, एज ए कोरोलरी टू दैट ही पास्ड द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। या फिर ही स्टडीज वेल, ड्यू टू विच ही पास्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। या ही स्टडीज वेल, एज ए रिजल्ट ही पास्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट।
ऐसे भी बोल सकते हैं। इस फैसले के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। एज पर दिस विल, इस वसीयत के अनुसार, एज पर दिस विल, इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। यू हैव द लीगल राइट्स ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एज पर दिस विल, इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। यू हैव लीगल राइट्स ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगला सेंटेंस है, आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर इनक्रेडिबल सपोर्ट। जैसे कि मैं आपसे बीच बीच में कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 आप इसमें रिवाइज करते रहिए, आप इसमें जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं आप उनको लिखते रहिए, ठीक है, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और अच्छा स्टेमिना आप में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे नज़रिए में इस प्रॉपर्टी की रेट तेज़ी से बढ़ेंगे। इन माई पर्सपेक्टिव, मेरे नज़रिए में, इन माई पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। मेरे नज़रिए में इस प्रॉपर्टी के रेट तेज़ी से बढ़ेंगे। इन माई पर्सपेक्टिव द रेट ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल इंक्रीज क्विकली। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया, दृष्टिकोण आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। योर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। योर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण आपके माहौल पर निर्भर करता है। योर पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सराउंडिंग्स। इतने बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस हैं, आपको बता रहा हूँ, आप सीखते रहिए, आप इनको सुनते रहिए, आप बार बार रिवाइज करके सुनिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ फॉलो करना, लाइक करना, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं इस पॉडकास्ट को और बेहतर बना सकूं। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं, सिखाने के साथ सीख रहा हूं, यही है। हम जो जितना हम दूसरों को ज्ञान देकर सीख सकते हैं उतना हम अकेले पढ़कर उतना ज़्यादा नहीं सीख सकते। तो अगला सेंटेंस है, मैं इस पेन के लिए केवल 50 की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर दैन दिस। मैं इस पेन के लिए केवल ₹50 की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर दैन दैट। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर दैन दैट। अगला सेंटेंस है, यूनियन ने हड़ताल के माध्यम से कंपनी के फैसले का विरोध करने की धमकी दी। The union threatened to retaliate the company's decision by calling a strike. The union threatened to retaliate the company's decision by calling a strike. मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई है। A committee was formed in the wake of match fixing. A committee was formed in the wake of match fixing. दोस्तों आप इस चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, ताकि इंग्लिश सीखने के साथ साथ इस चैनल भी ग्रो कर सके और मैं इस चैनल को और बेहतर बना सकूं। अगला सेंटेंस है, मैच फिक्सिंग के परिणाम स्वरूप एक कमेटी बनाई गई। अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड, बनाई गई, अ कमेटी वॉज फॉर्म्ड, अगर बनाई जा रही है, कमेटी इज बीइंग फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ मैच फिक्सिंग। अगला सेंटेंस है, मजदूरों के हित को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया। The PM made this decision in the wake of workers' welfare. The PM made this decision in the wake of workers' welfare. मजदूरों के हितों को मद्देनजर रखते हुए PM ने ये फैसला लिया। PM made this decision in the wake of workers' welfare. उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। His ambition is to eradicate poverty. उसका लक्ष्य गरीबी को जड़ से उखाड़ देने का है। His ambition is to eradicate poverty. केवल एक एक्सपर्ट ही अपनी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। Only an expert can access his talent. केवल एक एक्सपर्ट ही आपकी प्रतिभा का आकलन कर सकता है। अगर इसको ऐसे कहें तो कहें Only an expert can access or assess your talent. आई होप आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।
बिकॉज वेन यू सब्सक्राइब वेन यू गिव आस योर सपोर्ट देन ओनली वील ग्रो एन आर चैनल ग्रो एंड वील हेल्प यू लर्न इंग्लिश इन अ बेटर वे. तो अगला सेंटेंस है राहुल या फिर कहें कि ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है. व्हाट डज इट हैपन ओनली विद राहुल. ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है. व्हाट डज इट हैपन ओनली विद राहुल. व्हाट डज इट हैपन ओनली विद राहुल. सीमा बच्चे को दूध पिला रही है. सीमा वाज मेकिंग द किड प्ले. सीमा बच्चे को दूध पिला रही है. सीमा इज फीडिंग द बेबी. अगर ये कहें कि सीमा बच्चे को खिला रही है यानी खेल रही है उसके साथ. सीमा इज मेकिंग द किड प्ले. या फिर ये कहें सीमा बच्चे को खिला रही थी. सीमा वाज मेकिंग द किड प्ले. व्हाट डज इट हैपन ओनली विद राहुल. ऐसा हमेशा राहुल के साथ ही क्यों होता है. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. मुझसे गोलमेल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विद मी. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विद मी. मुझसे गोलमोल बातें मत करो. डोंट टॉक क्लेवर विद मी. तुमने ये कहाँ से उठाई थी. वेयर हैड यू पिक्ड इट फ्रॉम. वे मुझे घर की दहलीज पार नहीं करने देगा. ही विल नॉट लेट मी इंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस. वो मुझे घर की दहलीज पार करने नहीं देगा. ही विल नॉट लेट मी एंटर द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाउस. सूर्य नमस्कार कर लो और पानी दे दो. ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर. जैसे होता है ना सुबह सुबह हमारे पिताजी या फिर लोग घर में सूर्य का नमस्कार सूर्य नमस्कार करते हैं उसको पानी देते हैं. तो ऐसे कहेंगे ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर. नेक्स्ट टाइम आप अपने फादर को कहिए डैडी प्लीज ग्रीट द सन एंड ऑफर द वाटर. चार्जर को प्लग में लगा दो. प्लग द चार्जर प्लीज. चार्जर को प्लग में लगा दो. प्लग द चार्जर प्लीज. मुझे 5 रुपए वाली टॉफी दे दो. प्लीज गिव मी द टॉफी ऑफ 5 रुपीज ईच. मुझे 5 रुपए वाली टॉफी दे दो. प्लीज गिव मी द टॉफी ऑफ 5 रुपीज ईच. मुझे 5 रुपए वाली टॉफी दे दो. प्लीज गिव मी द टॉफी ऑफ 5 रुपीज ईच. काश मैं वहां होता. आई विश आई वेयर देयर. मैं ही हूँ. ये मैं ही हूँ. दिस इज रियली मी. ये मैं ही हूँ. दिस रियली मी. अगर अरे मैं ही हूँ यार. दिस इज रियली मी. ये मैं ही हूँ. दिस इज रियली मी. क्या हुआ मैं ही हूँ. इज दैट रियली मी. क्या हुआ मैं ही हूँ. इज दैट रियली मी. उसने ही तो ये कहा था. इट वॉज ही हु हैड सेड इट. इट वॉज ही हु हैड सेड इट. उसने ही ये कहा था. इट वॉज ही हु हैड सेड दिस. उसने ही ये कहा था. इट वॉज ही हु हैड सेड इट. राम ही तो यहाँ आया था. इट वॉज राम हु हैड कम हियर. क्या ये मैं ही हूँ. इज इट रियली मी. दिस इज रियली मी. राम ही तो वहाँ आया था. इट वॉज राम हु हैड कम हियर. उसने मुझे मारा था वो भी लाठी से. He had beaten me that too with the stick. He had beaten me that too with the stick. He had beaten me that too with the stick. ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं. Where can we go in this situation? Where can we go in this situation? Where can we go in this situation? Friends, इस चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना मत भूलिए. आप रिपीट कर करके इन सेंटेंसेस को बार बार सुन सकते हैं उनको रिपीट कर सकते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं. इससे आपकी इंग्लिश बेहतर होगी. बिकॉज इंग्लिश सीखना आज की बहुत बड़ी नेसेसिटी है क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. सो प्लीज़ गिव अ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर